हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वे अजर अमर हैं। उन्हें अमृत का वरदान मिला हुआ है। वे जब तक चाहें शरीर में रहकर इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। सिर्फ इस बात के लिए ही हनुमान चालीसा का आधुनिक युग में महत्व नहीं बढ़ जाता, बल्कि इसलिए कि पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति से हर तरह के संकट तुरंत ही हल हो जाते हैं, और ये एक चमत्कारिक सत्य है। हनुमान चालीसा को महान कवि तुलसीदास जी ने लिखा था। हनुमान चालीसा से पहले भी हनुमान जी पर कई चालीसा लिखी गई हैं और कई स्तुतियां भी लिखी गई थी, लेकिन हनुमान चालीसा का महत्व इसलिए आधुनिक युग में है क्योंकि ये पढ़ने में और समझने में बहुत ही सरल है, और ये भी कि इस चालीसा में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन हो जाता है, जिससे उनकी भक्ति करने में आसानी होती है। हनुमान जी की भक्ति के लिए आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन हनुमान चालीसा सच में ही अपने आप में एक संपूर्ण रामचरितमानस की तरह है। हनुमान चालीसा लिखने वाले तुलसीदास जी राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके इसी विश्वास के कारण औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था। कहते हैं कि वहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी। अंत में ऐसा कुछ हुआ कि औरंगजेब को उन्हें छोड़ना पड़ा था। इसमें 40 छंद होते हैं, जिसके कारण इसको चालीसा कहा जाता है। यदि कोई भी इसका पाठ करता है तो उसे चालीसा पाठ बोला जाता है। आधुनिक युग की भागम भाग में हनुमान चालीसा ही एक ऐसा पाठ है जिसे तुरंत ही आसानी से पढ़ा जा सकता है। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। इस चालीसा को पढ़ते रहने से व्यक्ति के मन में साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम का संचार होता है। इसके कारण ही वो संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके एक एक छंद का बहुत महत्व है। जैसे बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगे तो उसको इस छंद का पाठ करना चाहिए। बल बुद्धि विद्या देह मोहे हरहु कलेश विकार। मन में अकारण भय हो तो इस पंक्ति को पढ़ना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। किसी भी कार्य को सिद्ध करना हो तो ये पंक्ति पढ़ें। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। बहुत समय से यदि बीमार हैं तो ये पंक्ति पढ़ें। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। प्राणों पर यदि संकट आ गया हो तो ये पंक्ति पढ़ें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। या संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यदि आप बुरी संगत में पड़े हैं और यह संगत छूट नहीं रही है तो ये पढ़ें। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। यदि आप किसी भी प्रकार के बंधन में हैं तो जो सतबार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। किसी भी प्रकार का डर है तो ये पढ़ें। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपके मन में किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो इसे पढ़ें। और मनोरथ जो कोई लावे, सो ही अमित जीवन फल पावे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करें अपने चैनल को ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।